मेरे जनपद प्रतापगढ़ से मुंबई के लिए डेली कोई भी ट्रेन नहीं जाती, सिर्फ साकेत एक्सप्रेस जिसका नंबर 22184 एवं 22183 है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशहूर मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी की इन दिनों पार्लियामेंट की तकारीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और पसंद की जा रही है। अपोजिशन लीडरान तो उसको पसंद ही कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद बीजेपी की तरफ के लोग भी और उसके चाहने वाले भी उनकी तकारीर को पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी तकरीरों में वो अशार का इस्तेमाल करके जिस तरह से जान डाल देते हैं, यहाँ तक कि ख़ुद राज्यसभा के जो स्पीकर साहब हैं और नायब सदर जमहूरिया हैं जगदीप धनखड़, वो भी उनकी तकरीर को सुनकर लुत्फ़ हासिल करते हैं। बहरहाल आपको बता दें, आज 6 अगस्त को इमरान प्रतापगढ़ी का बर्थडे था, जन्मदिन था। वैसे तो इस्लामी लिहाज से इसको नहीं मनाया जाता, लेकिन उनको इससे क्या लेना देना। तो पार्लियामेंट में जगदीप धनखड़ जी ने उनको मुबारकबादी दी और विश किया। इमरान प्रतापगढ़ी डिस्टिंग्विश मेंबर ऑफ दिस हाउस सिंस जुलाई 2022, आल्सो सर्व्स चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। श्री इमरान प्रतापगढ़ी रिनाउंड फॉर हिज इम्पैक्टफुल एंड इमोटिव वर्सेस बोथ इन उर्दू एंड हिंदी। The promising young parliamentarian has also received, in his capacity as poet, prestigious Yash Bharati Award by Government of Uttar Pradesh in 2016. And on my own, wish him a long, healthy, and happy life, and extend greetings to his friends, family, and admirers. Shakti Singh Goyal has no experience of the institution. I will be guided by those who have it. But today he is very well dressed. Normally black bycoat samjha jata hai, but today it is designer black. नाज़रीन इकराम, इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाई। उन्होंने आज ख़ास तौर पर एक मुद्दे पर बात की है। दरअसल ये तकरीर कल की है, लेकिन बर्थडे का वीडियो आज का है और तकरीर हम आप हज़रात की खिदमत में रख रहे हैं। आप इसको मुलाहिज़ा फरमाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी। शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा विषय जो है वो डिमांड फॉर डायरेक्ट रेगुलर ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग प्रतापगढ़ यूपी टू मुंबई। उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद प्रतापगढ़ गौरवशाली ज़िला है। इस ज़िले से बड़ी संख्या में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए लोग रेल यात्रा करते हैं। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए लाखों लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं। मेरे जनपद प्रतापगढ़ से मुंबई के लिए डेली कोई भी ट्रेन नहीं जाती, सिर्फ साकेत एक्सप्रेस जिसका नंबर 22184 एवं 22183 है, जो फैज़ाबाद अयोध्या से सप्ताह में 2 दिन चलती है और प्रतापगढ़ होकर जाती है। इस कारण से प्रतापगढ़ से मुंबई यात्रा करने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्रतापगढ़ से प्रारंभ करके मुंबई के लिए डायरेक्ट डेली ट्रेन चलाई जाए या साकेत एक्सप्रेस को रेगुलर किया जाए, जिससे सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों जैसे सुल्तानपुर और जौनपुर के यात्रियों को भी सुविधा हो। मैं खुद प्रतापगढ़ जनपद का हूं, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं, मुझे भी वहां से यात्रा करने के लिए लखनऊ या इलाहाबाद जाना पड़ता है। अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अर्जेंट इस मामले का संज्ञान लें और साकेत एक्सप्रेस 22184 और 22183 का संचालन प्रतिदिन करवाने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी।